वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिल्ड 2.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे गेम के अंदर न्यू गिल्ड आ चुका है 2.0। और इस गिल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है येलो कस्टम का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हमारे गेम के अंदर OB42 का अपडेट नहीं आया था, उससे पहले हम लोग जो है हर फ्राइडे के दिन डॉकटॉक को कंप्लीट करके येलो कस्टम गिल्ड से लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यू गिल्ड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को जो है किसी प्रकार का जो है कस्टम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बंदे जो है कंफ्यूज हैं कि अब हमें कस्टम मिलेगा कि नहीं, आखिर हमें कस्टम मिलेगा कैसे। तो दोस्तों अगर आप भी इस बात से कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटली गिल्ड 2.0 के बारे में कि गिल्ड 2.0 के अंदर होगा क्या, कैसे आप सभी को जो है कस्टम मिलेगा, क्या तरीका रहने वाला है। और साथ साथ हम बात करेंगे न्यू गिल्ड रूम कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू गिल्ड रूम कार्ड जो है ऐड किया गया है। ये क्या है और इसका जो है कंडीशन क्या रखा गया है, कैसे इसमें जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी ये वीडियो जो है होने वाली है गिल्ड 2.0 के बारे में कि गिल्ड 2.0 के अंदर होगा क्या, कैसे आप सभी को रिवॉर्ड मिलेगा, कैसे आप सभी को वी बैच मिलेगा, क्या तरीका रहने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं गिल्ड 2.0 के बारे में। जस्ट आप गिल्ड 2.0 को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अपडेट के बाद टोटली जो है गिल्ड का लुक जो है चेंज कर दिया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे साइड में आप सभी को जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिवॉर्ड पहले ही की तरह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जस्ट आप चेस्ट को कंप्लीट करते जाएंगे आपको जो है रिवॉर्ड मिलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन गिल्ड का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें होगा क्या कि इसमें जो है जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जो है कस्टम वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे कि आपके पास जो है कितना कस्टम रूम कार्ड है और कितना गिल्ड रूम कार्ड है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कैसे आप सभी को येलो कलर का कस्टम रूम कार्ड मिलेगा और कैसे आप सभी को गिल्ड रूम कार्ड मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है एक प्रकार का बैड अपडेट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब से जो है आप सभी को गिल्ड से किसी भी प्रकार का येलो कस्टम रूम कार्ड नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपको येलो देखने को मिला है कस्टम रूम कार्ड, ये जो आप सभी को गिल्ड से नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि न्यू इवेंट आए तो इवेंट से आप सभी को मिले, यानी इवेंट से ही आप सभी को ये कस्टम मिलेगा, लेकिन गिल्ड से नहीं मिलेगा। गिल्ड से आप सभी को एक कस्टम मिलेगा जो कि है गिल्ड रूम कार्ड, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जस्ट आप गिल्ड के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन एक्टिविटी रिवॉर्ड। इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्सचेंज का ऑप्शन। इस पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को जो है गिल्ड रूम कार्ड मिलेगा। अगर आपके पास 200 जो है गिल्ड ग्लोरी का टोकन होता है तो यहाँ पर आप सभी को जो है कस्टम रूम कार्ड मिलेगा। लेकिन ये कस्टम रूम कार्ड उन्हीं के लिए है जो कि गिल्ड में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कस्टम रूम कार्ड को क्रिएट करेंगे तो केवल जो है आप लोग गिल्ड मेंबर के साथ ही कस्टम जो है खेल सकते हैं। जो लोग जो है गिल्ड में नहीं रहेंगे उनके साथ जो है कस्टम नहीं खेल पाएंगे, अपने ही गिल्ड मेंबर के साथ खेल सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के इसमें जो है कुछ न्यू अपडेट किया जाए, लेकिन अभी के समय पर यही है कि अगर आप इस कस्टम रूम कार्ड को क्रिएट करते हैं तो केवल अपने गिल्ड के प्लेयर के साथ ही आप लोग जो है कस्टम खेल सकते हैं। और इस गिल्ड रूम कार्ड में एक यूनिक चीज़ मुझे लगा कि इस गिल्ड रूम कार्ड में जो है आप लोग अपने ओपोनेंट से बात करते हुए भी कस्टम खेल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर के आप लोग जो है लाइव स्ट्रीम में देखे होंगे कि वो लोग जो है लाइव स्ट्रीम करते हैं और अपने ओपोनेंट से यानी इनेमी से भी बात करते हैं कस्टम रूम कार्ड में। तो कुछ ऐसा ही रूम कार्ड लाया गया है गिल्ड रूम कार्ड, इसमें भी आप लोग जो है अपने नेमी से जो है बातचीत कर सकते हैं अगर आप कस्टम रूम कार्ड क्रिएट करते हैं। तो ये जो है कस्टम रूम कार्ड आप सभी को जो है 200 जो है गिल्ड ग्लोरी पर मिलेगा, जो कि सॉरी गिल्ड ग्लोरी नहीं, गिल्ड का जो टोकन होता है ग्लोरी टोकन, उससे जो है मिलेगा। अगर मेरे पास जो है 200 कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको जो है ये गिल्ड रूम कार्ड जो है लगाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये जो है वर्क करता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कस्टम रूम कार्ड के बारे में कि कस्टम कार्ड मिलेगा या नहीं, एंड ये जो है गिल्ड ग्लोरी आपको मिलेगा कैसे, सॉरी गिल्ड टोकन आप सभी को मिलेगा कैसे। तो ये आप सभी को मिलेगा मिशन कंप्लीट करने पर। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जस्ट आप मिशन कंप्लीट कर देते जाएंगे यहाँ पर आप सभी को जो है गिल्ड टोकन मिलता जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि होने वाला है गिल्ड वी बैच के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे गेम के अंदर जो है गिल्ड 2.0 आया है, इसमें जो है आप सभी को एक न्यू देखने को मिलेगा जो कि रहेगा वी बैच, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वी बैच आपको मिलेगा कैसे। तो ये वी बैच मिलेगा आप सभी को 11 नवंबर से आप सभी को जो है न्यू गिल्ड वार का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक गिल्ड वार का ऑप्शन है लेकिन ये जो है एक्टिवेट नहीं है, यानी ये जो है चालू नहीं है।
ये जो गिल्ड वार है ये जो है एक्टिवेट होगा 11 नंबर को, और 11 नंबर से जो है आप सभी के गेम के अंदर जो है एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा गिल्ड वार का। ओके, और इसी से जो है आप सभी को वी बैच भी मिलेगा, और वी बैच किन लोगों को मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हर सैटरडे को यानी हर शनिवार को जो है आप सभी को गेम खेलना पड़ेगा, गेम खेलने के बाद गिल्ड का जो है ग्लोरी को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ग्लोरी कंप्लीट करने के बाद अगर आप ओवरऑल इंडिया में यानी इंडिया सर्वर के अंदर टॉप 15 गिल्ड अगर आपका आ जाता है, टॉप 15 गिल्ड के अंदर आपका जो है गिल्ड आ जाता है, तो आपके हर गिल्ड मेंबर को जो है ये वी बैच मिलेगा। लेकिन ये वी बैच रहने वाला है केवल गिल्ड का वी बैच, यानी गिल्ड के आइकन पर जो है आप सभी को वी बैच देखने को मिलेगा, आपका जो है यहाँ पर प्रोफाइल पर वी बैच देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर के प्रोफाइल पर वी बैच देखने को मिलता है, ऐसा वी बैच ये नहीं है, ये कुल जो है गिल्ड का वी बैच है। अगर कोई भी प्लेयर आपके गिल्ड को ओपन करेगा, आपके गिल्ड को ओपन करके या ज्वाइन करेगा, तो उसको जो है गिल्ड में वी बैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है येलो रूम कार्ड के बारे में, गिल्ड रूम कार्ड के बारे में, और गिल्ड वी बैच के बारे में भी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई 100% दूंगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।